रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग में अमेरिका रूस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को ऐसा लग रहा था कि अगर रूस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा तो उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगेगी, जिसके कारण युद्ध जल्द ही समाप्त हो जाएगा। अमेरिका के साथ पश्चिमी देशों ने भी रूस पर कड़े से कड़े प्रतिबंध लगाए, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इन प्रतिबंधों को किनारे करके यूक्रेन के शहरों को तबाह कर रहे हैं और चमकते देश को रूस ने बम बारूदों से हमला करके तबाह कर दिया है। अमेरिका अब रूस को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित करने का प्लान बना रहा है। अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या रूस आतंकवाद प्रायोजक देश में घोषित होने के डर से युद्ध को रोक देगा, लेकिन इसको जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि क्या है आतंकवाद प्रायोजक देश। तो सुनिए, स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म यानी आतंकवाद प्रायोजक देश का दर्जा अमेरिका के प्रतिबंधों के जखीरे का सबसे बड़ा हथियार है और इसकी मांग यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक है, क्योंकि फिलहाल अभी इस लिस्ट में केवल सीरिया, ईरान, उत्तर कोरिया और क्यूबा है। इससे पहले इराक, लीबिया, दक्षिणी यमन और सूडान जैसे देश भी रह चुके हैं। दरअसल अमेरिकी प्रशासन में किसी भी देश को आतंकवाद प्रायोजक देश का दर्जा देने की ताकत विदेश मंत्री यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास होती है, यानी मौजूदा विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ सलाह मशविरा करने के बाद रूस को आतंकवाद प्रायोजक देश के श्रेणी में रख सकते हैं। अगर अमेरिका रूस को यह दर्जा देता है तो पुतिन के लिए सबसे बड़ा प्रतिबंध साबित होगा। इसके पहले आपको जान लेना चाहिए कि अगर रूस के ऊपर ऐसा प्रतिबंध लगाया गया तो रूस को क्या नुकसान हो सकता है। रूस की किसी भी संपत्ति को अमेरिका अपने यहाँ जब्त कर सकता है। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो लगाकर ऐसे देशों को बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिलने वाले फंड या कर्ज पर रोक लगा सकता है। इस श्रेणी में रखे गए देशों के निर्यात पर रोक लगाया जा सकता है। रूस इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े रक्षा और तेल निर्यातकों में शामिल है। अमेरिका आतंकवाद प्रायोजक देश के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ उन देशों के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है जो प्रतिबंधों के दायरे में आए देशों से व्यापार जारी रखते हैं। लेकिन अब बात आती है कि अगर रूस को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित कर दिया जाता है तो भारत को क्या नुकसान होगा। भारत इस वक्त रूस के सबसे बड़े व्यापार साझेदारों में से एक है। खासकर भारत का रक्षा, कूटनीतिक और ऊर्जा क्षेत्र अपनी कुछ बुनियादी जरूरतों के लिए रूस पर पूरी तरह से निर्भर है। खासकर थल, वायु और नौसेना के मामले में तो भारत की रूस पर निर्भरता करीब 60-70% तक है। फिर चाहे वो भारत की T-72 या फिर T-90 टैंकों की बात हो या फिर वायुसेना का। वहीं नौसेना की सबमरीन से लेकर एयरक्राफ्ट तक भारत का रक्षा क्षेत्र बीते सालों में लगभग पूरी तरह रूस के सहयोग से ही आगे बढ़ रहा है। ऐसे तमाम चीजें हैं जिसमें भारत रूस पर निर्भर है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या इस दर्जे के बाद राष्ट्रपति युद्ध को समाप्त कर देंगे या फिर अमेरिका और पश्चिमी देशों को और करारा जवाब देंगे। तो कैसा लगा है हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष डिजिटल हिंदी।